ये कब बताया गया? मैं तो शिवम ने रानी साहब से बात, मैंने शायद मुझे कब पता लगता जब आप इस घर से जा चुकी हो। किस बात की नाराज की, किस बात की इतनी बड़ी सजा दे रही है? अपने बेटे के मामले में अपनी बात कहने की, इसका मैं इस घर से जा रही है। ऐसा कुछ नहीं है, तो मुझे जाने के पैसे से क्यों लेना पड़ेगा? लेकिन आज अचानक इतना बड़ा फैसला क्यों? और चाहती है कि इसका अंजाम क्या होगा? ये सब जानने के बाद तो और नाराज हो जाएंगे, मुझे कभी माफ़ नहीं कर पाएंगे। कोई तुमसे कुछ नहीं कहेगा, मैं जगह को समझूंगी कि मेरे जाने का फैसला मेरा अपना है, किसी के कुछ कहने या करने से इसका कोई रिश्ता नहीं। पहले की तरह ही रहेंगे, कुछ नहीं बदलेगा सिवाय मेरे रहने की जगह। इस तरह से तुम ये फैसला कर पाओगे कि मम्मी को क्या पता चलना चाहिए और क्या नहीं। और मैं ये कि शिवम को क्या और कितना पता है, और इस तरह से तुम ये फैसला कर पाओगे कि मम्मी को करना चाहिए और क्या नहीं। और मैं ये कि शिवम को क्या और कितना पता चलना चाहिए, मैं तुम्हारी परेशानी गुस्सा सब समझती हूँ। लेकिन मेरा विश्वास करो, मैं किसी से नाराज नहीं हूँ। वरना ना तुम गलत हो ना मैं और ना कोई और, लेकिन अगर कुछ सही है तो ये कि मुझे यहाँ नहीं जाना चाहिए, इसी में सबका अच्छा होगा, इसी में सबकी भलाई है। जिद कर ली तुमने, एक बार कह दिया ना मैंने, अब कोई बहस नहीं होगी। रो, रो। एक बार मैंने भी जो कह दिया तो कह दिया, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा। मैं बड़ी नानी से बात करूंगा, बड़ी नानी से, बड़ी नानी से। जो मुझे होता आ रहा है बच्चों के बीच में जो प्रॉब्लम्स हो रही है उसे लेकर, और कहीं ना कहीं बहुत कुछ छोटी छोटी चीज़ें हो रही हैं, तो आनंदी को लगता है कि अगर वो अलग नहीं है यहाँ से दूर रहेगी तो सबके लिए बेटर होगा और सब खुशी से रह पाएंगे। तो यही रीज़न है कि मैं शनिकेतन में जाकर मिलना चाहती हूँ। और गंगा आपको रोकने की बहुत कोशिश कर रही है, क्या आप गंगा की बात मान लेंगी? इस बार मुझे नहीं लगता कि मैं किसी की भी बात मानूंगी। उनकी भी नहीं है, इन्होंने भी कहा है कि मम्मी मुझे नहीं जाना। ये तो बहुत रोया भी है, बताओ ज़रा बताओ कैसे कैसे कन्वेंस करेंगे आप मम्मी को कि मम्मी नहीं जाएंगे हम यहाँ? मैं आज से बहुत ट्राई कर रहा हूँ मम्मा से, मम्मा मुझे यहाँ रहना है, मुझे यहाँ रहना है। अब मम्मा नहीं मान रही मेरी बात, पता नहीं उन्हें क्या हो गया, उन्होंने अचानक से ही डिसीजन ले लिया है। क्या हुआ मुझे कुछ नहीं पता। कितना मिस करेंगे आप लोग इस फैमिली को जब यहाँ से चले जाएंगे? आप तो बड़ा दूर जा रहा है, शिवम नहीं है क्या? बड़ी तकलीफ है, जाहिर सी बात है कि सबको मिस करेंगे हम। थैंक यू।